अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोलीवुड शोबिज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, शिफा और जाबर खट्टर की शादी आप जानते हैं कि 2017 में हुई थी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आज दोबारा शादी कर ली, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, 2017 में शिफा और जाबर खट्टर की हुई थी शादी। आज तकरीबन उनकी शादी को 3 साल हो गए। उन्होंने आज अपनी शादी का दोबारा से फोटोशूट करवाया ताकि वो अपनी शादी की गुजरी हुई यादों को याद करके खुश हो सकें। दोस्तों, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम अपनी पुरानी यादों को याद करके खुश हो सकते हैं और उन्हें दोबारा से महसूस भी किया जाता है जब वो हमारे हाथ में हो या हमारे सामने हो। इसी तरह से शिफा, जाबिर और खटक ने भी किया। उनकी जब पहले शादी हुई थी तो जो फंक्शन था वो काफी छोटा था और उनकी शादी काफी सादगी से हुई थी, तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना अपने शादी के आउटफिट्स दोबारा पहने जाएं और फोटोशूट करवाया जाए। उनका इस बारे में कहना था कि इट्स फेल्ट नेचुरल, इट फेल्ट कंफर्टेबल, इट फेल्ट नाइस मेकिंग माय ओन डेडलाइंस एंड नॉट डूइंग व्हाट्स कन्वेंशनल। मेरी शादी, मेरा शूट, मेरी मर्जी। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे अगर आप ये सोचकर चलते रहेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते। और साथ में उन्होंने कहा लव, लाफ्टर एंड हैप्पीली आफ्टर। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है और आगे भी रहेगी और हमेशा रहेगी, और साथ ही एक साइन बनाया जिसमें था कि नजर ना लगे। कुछ लोगों को तो इनके तस्वीर काफी पसंद आई और कुछ ने कहा कि सारा और फलक की चीटिंग कर रहे हैं। तो वही बात आ जाती है कि उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।